जेमस्टोन से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हर एक प्लेनेट के अपने एक जेमस्टोन होते हैं, ठीक है। हम बेसिकली जो प्लेनेट के डायरेक्ट लिंक्ड जेमस्टोन है हम वो यूज करते हैं क्योंकि वो अवेलेबल है, हमें उसमें दिक्कत नहीं है। केतु के लिए लेसुनिया, वीनस के लिए डायमंड, मून के लिए पर्ल, राहु के लिए गोमेद, मंगल के लिए मूंगा, गुरु के लिए पुखराज, शनि के लिए नीलम और बुध के लिए पन्ना। हम ये 9 जेमस्टोन यूज करते हैं। ये जो प्लैनेट होते हैं हम कुछ फिंगर्स अलॉटेड हैं हम उसमें ही उसको एक्टिव करते हैं। जैसे पुखराज फर्स्ट फिंगर में पहनते हैं, जो नीलम है वो हम सेकंड फिंगर में पहनते हैं, वीनस बोले हैं शुक्र, मूंगा और सन ये थर्ड फिंगर में पहनेंगे, पर्ल और पन्ना ये फोर्थ फिंगर में पहनेंगे, इंडेक्स फिंगर में पुखराज, मिडिल फिंगर में सैटर्न, रिंग फिंगर में वीनस, सन और मार्स, सबसे छोटी फिंगर में बुध और मून। अगर इन जनरल बात करें तो फीमेल्स को लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए और मेल्स को राइट हैंड में पहनना चाहिए, क्योंकि फीमेल को प्रकृति बोला गया और वो लेफ्ट हिस्सा गवर्न होता है, और मेल को पुरुष बोला गया है तो वो राइट हिस्सा गवर्न होता है, इसलिए उसको राइट हैंड में पहनना चाहिए। अब काफ़ी बार क्या होता है, हमारे को एक ही उंगली में 2-3 प्लैनेट पहनने पड़ जाते हैं, तो आप मेल प्लैनेट को राइट हैंड फिंगर में पहन सकते हो और फीमेल प्लैनेट को लेफ्ट में पहन सकते हो। जैसे वीनस, चंद्र, ये फीमेल प्लैनेट है, आप इनको लेफ्ट साइड में पहन सकते हो और राइट साइड में आप जो मेल प्लैनेट है उनको पहन सकते हो। एक कॉन्सेप्ट है इसमें एनिमी, न्यूट्रल और फ्रेंड प्लैनेट वाला, कि 2 प्लैनेट एनिमी होते हैं तो उन दोनों को इकट्ठे नहीं पहनाते, 2 प्लैनेट अगर फ्रेंड होते हैं तो उनको इकट्ठा पहनाना चाहिए और न्यूट्रल को इकट्ठा पहना सकते हो, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक्चुअली ऐसा मैच नहीं होता, इसीलिए बोला जाता है कि गोमेद गोल्ड में मत पहनाओ, नीलम गोल्ड में मत पहनाओ, ऐसा बोला जाता है। लेकिन एक्चुअल में गोमेद गोल्ड में पहनाने से भी रिजल्ट आए हैं और वो लोग खुश हैं और अभी तक उतार नहीं रहे। नीलम चांदी में भी पहना जा सकता है, इवन उनके हिसाब से वो एनिमी प्लेनेट है, लेकिन तब भी वो सन में भी पहना जा सकता है, मींस गोल्ड में भी पहना जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 2 जेमस्टोन इकट्ठे नहीं पहन सकते ऐसा नहीं है, आप 2 जेमस्टोन इकट्ठे भी पहन सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक सन पहन लिया साथ में तो नीलम नहीं पहन सकते या सन पहन लिया तो गोमेद नहीं पहन सकते। जेमस्टोन का इफेक्ट 15-20 दिन में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है और उसका पूरा इफेक्ट 30 दिन के बाद आने लग जाता है। जेमस्टोन किस दिन पहनने चाहिए, कौन से दिन जेमस्टोन पहनना चाहिए, 2 तरीके से जेमस्टोन पहना जा सकता है। फर्स्ट, जो जिस प्लैनेट की आप रिंग पहन रहे हो उसका एक डे लॉर्ड असाइन है, मींस मंडे के लिए मून अलाउड है, मून वाली रिंग मंडे को पहन सकते हो। दूसरा तरीका, जब ट्रांजिट में जब कोई प्लैनेट एक्टिव हो उस डे पे भी पहन सकते हो। तीसरा, काफ़ी बार जो काम कराना होता है वो बहुत जल्दी में होता है आदमी कि मेरे को इफेक्ट अभी से थोड़ा रिलीफ आने लग जाए, और जो दिन आप बता रहे हो वो 4-5 दिन बाद है, तो वो कहते हैं कि मैं अभी पहन सकता हूँ क्या, बिल्कुल पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा डे लॉर्ड के लिए रुकना है या नक्षत्र के लिए रुकना है, उसका इफेक्ट आने लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। मैनिफेस्टेशन डे लॉर्ड पे या ट्रांजिट में हो जाएगी, क्लियर। अब जेमस्टोन कैसे पहनना चाहिए, मींस कि जेमस्टोन सुबह पहन सकते हो आप, इवनिंग में भी पहन सकते हो। बोला जाता है कि सूर्य ढलने से पहले पहन लो, ठीक है। अब कई बार जेमस्टोन जो है जब पहनते हैं आदमी तो 2 तरीके का माइंडसेट आदमी का आता है, कि ये जेमस्टोन हमें शुद्ध करके पहनना चाहिए या ऐसे भी पहन सकते हैं। पहली बात तो जेम का अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, वो अपने आप काम करती है। क्या आप बिना नहाए काम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपकी एक अपनी एनर्जी है,
जिसके हिसाब से आप उसको परफॉर्म करते हो, लेकिन काफी बार जब जेमस्टोन बनता है तो उसमें डस्ट लगा होता है, उसमें गंदगी होती है, तो आप धोके पहनोगे क्योंकि जब ज्वेलर बना रहा है तो उसमें दिक्कत हो गई। अगर किसी ने बिना धोए पहन लिया था किसी दिन और उसकी वजह से उसको ये लग रहा है कि इसका इफेक्ट नहीं आ रहा, तो वो गलतफहमी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप धोके, कोई चीज गंदी होती है उसको धोके पहनते हो तो वो फ्रेश लगती है, इसलिए धोके पहन लो तो अच्छा है। अब हिंदुस्तान में गंगा जी सबसे पवित्र मानी गई है, इसीलिए उसको गंगा जल से धोने के लिए बोला है, बट आप नॉर्मल पानी से भी आज धो सकते हो, ठीक है? गंगा जल है तो बहुत अच्छा है, गंगा जल से धो लो, अदरवाइज नॉर्मल पानी से भी धो सकते हो।